हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, नया साल आ चुका है एंड आप में से शायद कई लोग प्लान कर रहे होंगे कि इस नए साल में एक नई कार ली जाए। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक कार और आप लोगों के कंसिडर कर रहे हो मारुति वेजा को, तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कार आप लोगों के लिए बनी है या नहीं, या कौन से लोग इस कार को ले सकते हैं एंड किन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में पूरा कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए कार परफेक्ट है एंड किन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए। सो गाइस, बात करें मारुति वेजा की, तो इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार में से एक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कार सब लोगों के लिए परफेक्ट है। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कार मुझे सूट कर रही है वो आपको ना करे, और हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कार आपको सूट कर रही है वो मुझे ना करे। तो डिपेंड करता है टोटली आप लोगों की, हम लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी कार सेलेक्ट करनी चाहिए। तो गाइस, बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्पेशियस कार चाहिए, आपको चाहिए कि हमारी कार में प्रॉपर स्पेस हो और 5 लोग आराम से इस कार में ट्रैवल कर सकें, तो उस केस में भी आप मारुति ब्रेजा को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज मारुति ब्रेजा इस जितनी सेगमेंट की जितनी भी कार्स आ रही है, डायमेंशन वाइज मारुति ब्रेजा बड़ी है। हालांकि ये डायमेंशन सिर्फ मिलीमीटर्स का फर्क है गाइस, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, बट फिर भी अगर ऑन पेपर भी देखा जाए और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये इस सेगमेंट की बाकी कारों से ज्यादा स्पेशियस है। तो अगर आप लोग 5 लोग आके, आपकी फैमिली है और आप लोग ट्रैवल करते हो लॉन्ग रूट्स पे, और आपको एक कार ऐसी चाहिए जिसमें आपको सफिशियंट स्पेस मिल सके, तो उस केस में आप मारुति ब्रेजा को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कार 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिलता है एंड इस सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन इस कार में आता है। तो इंजन वाइज भी, और आपको चाहिए ऐसी कार जो रिलायबल भी हो और जिसको आप 10-15 साल आराम से चला सको, तो उस केस में भी आप इस कार की तरफ जा सकते हो। रिलायबिलिटी के मामले में नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मारुति के इंजन पे, बहुत ही रिलायबल इंजन है मारुति का। 4 सिलेंडर होने के साथ साथ इसमें जो आपको रिफाइनमेंट मिलती है इंजन की, वो भी बहुत अच्छा है। एनवीएस लेवल कार का काफी डाउन है, नॉइज एंड वाइब्रेशन इस कार में ज्यादा आपको फील नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसी कार चाहिए जिसका इंजन रिफाइन हो, जो आपको एक रिलायबल इंजन के साथ आती हो, तो उस केस में भी आप मारुति ब्रेजा को कंसिडर कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे रोड्स कंडीशन अच्छी नहीं है एंड आपको चाहिए एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार, तो उस केस में भी आप मारुति ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। एसयूवी सेगमेंट की कार्स जितनी भी आती है सब कॉम्पैक्ट अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, तो ये तो आपको और कार्स में भी मिलेगा, और यही चीज आपको इस कार में भी एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है जो कि आपका हेल्प करेगी अगर आपके आसपास रोड कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हो, तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आपका ट्रैवल हाईवेज में ज्यादा है, तो ये हाईवेज में ये कार आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी तो देगी, साथ साथ इस कार में बूट स्पेस भी आपको काफी अच्छा मिलता है। तो अगर आप लोग ट्रैवल करते रहते हो, फ्रीक्वेंटली आप ट्रैवल करते हो बाहर, उस केस में आपको एक अच्छा बूट स्पेस रिक्वायरमेंट होती है एंड इस कार में एक अच्छा बूट स्पेस होने के साथ साथ हाईवे में भी ये कार बहुत स्टेबल है। कार में बॉडी रोल इतना ज्यादा फील आपको नहीं होगा, ऑल्दो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, बट फिर भी बॉडी रोल आपको इस कार में इतना नहीं मिलेगा। इस कार का ड्राइव रिव्यू हमने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमने चैनल पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये कार आपको 2 फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है, सीएनजी एंड पेट्रोल। एंड बात करें इस सेगमेंट में, अभी इकलौती कार है जो आपको सीएनजी ऑप्शन के साथ आ रही है। बहुत जल्द नेक्सॉन का भी सीएनजी ऑप्शन मार्केट में आना वाला है, बट फिलहाल के लिए ये कार ऐसी है सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में जो आपको सीएनजी ऑप्शन ऑफर कर रही है। एंड अगर आपको कंसर्न रहता है माइलेज का, तो उस केस में भी आप इसके सीएनजी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जहां पे आपको माइलेज की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेगी। बात करें पेट्रोल माइलेज की, तो पेट्रोल में भी ये कार सिटी एंड हाईवे में एक अच्छी माइलेज निकाल के देती है। सिटी में भी अब इसको आप ड्राइव करोगे तो ये आपको 14-15 के बीच में माइलेज निकाल देगी, अगर आपकी ट्रैफिक कंडीशन ज्यादा हाई नहीं है तो। एंड बात करें हाईवे में, तो हाईवे में भी यह कार आपको अराउंड 20 के आसपास की माइलेज निकाल के देती है। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक फीचर ओरिएंटेड कार चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी कार्स में बहुत सारे फीचर्स हो और आपको फीचर्स पसंद है अपनी कार में, उस केस में भी आप इस कार को छोड़ के किसी और कार की तरफ जा सकते हो, बिकॉज इस सेगमेंट में और भी ऐसी कारें हैं जो आपको
और अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इस कार में आपको थोड़ा फीचर्स की कमी जरूर फील होगी, इसीलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फीचर तो उस केस में आपको इस कार की तरफ ना जाके बाकी कार्स को देखना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सेफ कार चाहिए, ऑल्दो ये 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, बट फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक 5-स्टार रेटेड कार चाहिए, आपको चाहिए कि आप सेफ्टी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उस केस में भी आपको इस कार की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको अदर कार्स में 5-स्टार ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपकी प्रायोरिटी में आगे रहता है और आपको चाहिए एक सेफेस्ट कार बिल्ट वाइज भी, पैसिव सिक्योरिटी वाइज भी, तो उस केस में भी आपको इस कार की तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड इसमें आपको एडास फीचर जैसे भी नहीं मिलेगा, और इस सेगमेंट की कुछ कार्स ऐसी आ रही हैं अब जिनमें आपको एडास फीचर मिल रहा है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी तो उस केस में भी आप इस कार को छोड़ सकते हो एंड दूसरी कार्स की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मारुति का, एंड अगर आपकी लिस्ट में सेफ्टी एंड फीचर टॉप प्रायोरिटी में नहीं आते तो उस केस में डेफिनेटली आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मारुति का, एंड आंख बंद करके आप इस कार की तरफ जाओ। हिल्स में भी ये कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि कार दबी हुई फील हो रही है या आपको पावर की कमी फील हो रही है। ऑल्दो इस सेगमेंट की कुछ ऐसी कार्स हैं जो आपको इससे ज्यादा पावर जरूर देगी, बट आपको भी अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हो जो आप एक्सलरेट नहीं करते, आपको ज्यादा पिकअप और पावर नहीं चाहिए कार से, आप एक डिसेंट स्पीड में कार ड्राइव करते हो, तो उस केस में आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला। अच्छा पावरफुल इंजन आपको मिलता है, हिल्स में भी आपको पूरा सपोर्ट देगी ये कार, आपको पावर की कमी इतनी फील नहीं होने वाली इस कार में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस कार की तरफ आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है इस कार के साथ तो इस कार को कंसिडर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कार है ये मारुति की तरफ से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, अगर इस समय नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।